हाँ वो बातचीत करते आपका। लंबी बातचीत चल गई तो फोन ही डिस हो गया। हाँ, वो हो गया, मतलब कुछ क्या कहते चलिए हैं कि मैंने काम ही आपको खत्म हो एसएमएस जाता। से लिंक भेज दिया है क्राइम फ्री भारत ऐप की, हाँ और मीन व्हाइल इफ यू कैन रियली सर्च क्राइम फ्री भारत ऑन यूट्यूब तो वो हाँ आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव क्लियर कर देगा। हाँ हाँ मैं अभी और अभी क्राइम फ्री भारत ऐप में आज ही हमने सभी डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड किए हैं, जी तो आप उसमें जो है वो 21 लक्ष्यों को देख पाएंगे, सदस्य शपथ को देख पाएंगे, चंद्रगुप्ती शपथ को देख पाएंगे, और 21 एक्सटर्नल डायमेंशंस के ऊपर हमको काम करना है। यदि हम हाँ उसमें सिर्फ लोगों को जाके लोग चाय पी के जो है ना सिर्फ इतना ही काम कर रहे हैं, हाँ तो भट्टाचार्य साहब मैं आपको गारंटी देता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता, तीन तीन चार चार बार के सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री ना केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जो है जमानतें जब्त हो जाएंगी और उनमें से अधिकांश लोग जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। मतदान के पहले आज तक जी जो है भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और क्राइम फ्री भारत पूरी 543 सीटों पर लड़ेगा, ये भी इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज आज तक के इतिहास में 543 सीटों पर कभी कोई पार्टी नहीं लड़ी है। तो बहुत कुछ इतिहास रचने वाला है, लेकिन वो सिर्फ इस बात पर आश्रित है कि क्या हम जो है लोगों को जोड़कर उनके उनके संगोष्ठियां करके उन्हें चंद्रगुप्त की यात्रा पर रवाना कर सके। तो जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसे चंद्रगुप्त कहेंगे। उसके पास जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का एक व्यक्ति पहुंचेगा जो उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का टिकट भी देगा। और जिस दिन जो है ना जैसे ही नोटिफिकेशन चंद्रगुप्तों का जारी होगा तो सभी लोग जो जुड़े होंगे वो सदस्य छत पे पहुंच के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि श्री भट्टाचार्य जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें विजयी बनाऊंगा। और जैसी मैंने प्रक्रिया समझाई है तो आस पड़ोस के पड़ोसी भी पूछेंगे, और जब उन्हें लगेगा कि इतने महान लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, तो 15-20% लोग भी ऊपर चढ़ जाएंगे। तब इन राजनेताओं को क्या अपना चुनाव प्रचार रास आएगा? क्या ये आम सभाएं कर पाएंगे? क्या इनका टीवी डिबेट में शामिल होना संभव हो पाएगा? शायद वो भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें अपनी हार स्वीकार करना ही होगी, और हमको केवल इतना ही करना है कि अपने 10 लोग वो उनके 10 लोग और उनके 10 लोगों को जोड़ते जाएं। और यदि 21 जो हमारी बाह्य विधाएं हैं, यदि हमने सबका नीचे तक गांव तक यदि संगठन खड़ा कर दिया, तो दुनिया की कोई भी हस्ती जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को पराजित करना तो बहुत दूर है। एक भी व्यक्ति नहीं जीतेगा, नॉट इवन वन। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जब इन्होंने जो है बूथ कैप्चरिंग की, बूथों को लूटा है, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई हैं, तब भी नहीं कर पाए जो अब होने वाला है। तो आप लोग जो है आपस में बात कर लीजिए और कैसे जो है हमें हर राज्यों में अपना संगठन जो है आपको एक सर्विसमैन और उन सबका जो है संगठनों को खड़ा करना है, और बाकी जो आंतरिक विधाओं के तहत अपने लोगों को जोड़ना, रिश्तेदारों को जोड़ना, अपने मित्रों को जोड़ना, पड़ोसियों को जोड़ना, वो भी करना है। लेकिन एक बाह्य विधा जो है वो पूरी तरह से एक्स सर्विसमैन आर्मी के ऊपर और सेनानियों के ऊपर है, जिसमें पुलिस, सेनानी, आर्मी ये सब लोग आएंगे, यूनिफॉर्म फोर्सेस वाले, उनको जोड़ के यदि हम 10-10 लोगों को जोड़ने वाला अपना लक्ष्य जो है पूरा कर पाए, तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही जमीन पे उतरेगा। और रही 21 लक्ष्यों की, तो उनके मॉडल अवेलेबल हैं। प्रकृति भी आपके साथ सहयोग करेगी क्योंकि पेड़ों की संख्या डबल हो जाएगी। ये तो दुष्टता है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पेड़ लगाना चाहिए वही पेड़ों को कटवाता है। तो आप ये देखिए जो थोड़े बहुत जो है ना लोग बाग थोड़ी बहुत लकड़ी अपनी जलाने के लिए लेते हैं, उससे कोई डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है। जो ट्रकों में लकड़ी आ रही हम जो है ना मशीनों से कट के जाती है, उसके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है। और ये सब सहभागिता है, सब सांठगांठ है। आप बताइए कहीं पे जो है ना जुआ सट्टा बिना पुलिस की सांठगांठ के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। नहीं वैधानिक जिम्मेवारी है कि आप अपराध का पंजीयन करो, हमें नहीं करना है।
अब तो स्थिति ये बन गई है कि 80-90% केसेस में ऑफेंस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, और बाहुबलियों और धन धनी लोगों के कहने पर झूठे मुकदमे जो है ना गरीब लोगों के विरुद्ध कायम कर लिए जाते, दो झूठे बयान काट के, या तो बेचारा जमानत कराए और जमानत कराने की औकात नहीं है तो जेल में सड़े। तो जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो जेल के बाहर घूम रहे हैं, और जिन्हें जेल के बाहर होना चाहिए वो बेचारे जेल के अंदर है। कैसी दुर्गति है, ये है कि नहीं है? हाँ, वो तो अपने क्या कहते हैं कि ब्रिटिश शासन से ही हुआ है, जब से MS मेघालय ने 1961 पुलिस तो एक्ट किया है, आपका सॉरी आपका ब्रिटिश 1861 शासन ही चल रहा है अभी, नियम कानून व्यवस्था सब वही है, केवल गोरे अंग्रेज नहीं, काले तो वो अंग्रेज जो हो गए। पुलिस एक्ट जब तक तो रिवाइव नहीं होगा तब तक तो थोड़ी होगा कुछ। पुलिस हमारे एक्ट, देश को बर्बाद करने वाले तो कांग्रेस है। आप तो पुलिस एक्ट कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं सभी एक्ट वही हैं जो अंग्रेजों के हैं। आप तो मैं एक एक्ट की आपको बात, इससे पहले भी एक एक करके एक्ट बताया, तो आज अभी थोड़ा एक्ट बताया। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो है 30A, 19A, ये सब बदलवाइए। ये कोई बदलने की जरूरत नहीं है, समानता का अधिकार होना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए ये सब? अरे समानता की अधिकार में तो ये नहीं आता ना, ये इन्होंने जो हमारी को खत्म कर दिया, गुरु को खत्म किया, हमारी मंदिरों का पैसा ले जा रहे हैं, वहां पे सबकी ये मुसलमानों तो को हज करा रहे हैं, तो कांग्रेस वालों ने किया ना। ये तो जो है, दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द जो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ने तो आपको ये डिस्क्रिमिनेशन का हक नहीं दिया है, तो इन सर दुष्ट मुझे राजनेताओं ने एक वो चीज नियम कानून बताइए, क्यों बनाए हैं, हम बकबोर्ड क्यों हिंदू बना रहा कहाँ है? जाएं, हम हिंदू कहाँ जाएं? मैथिली शरण गुप्त के पीछे, अमर जो है ना चंद्रगुप्त बनो अगर तो मैं अगर ताज भी मैथिली मिलेगा शरण आधी जगह। गुप्ता देखिए जी हिंदू भट्टाचार्य भी, राष्ट्र ताज भी आपके सिर पे राष्ट्र का होगा, निर्माण कर दे, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं तो कर ही रहा हूं। आप करिए हिंदू राष्ट्र निर्माण, मैं आपके साथ देखिए हूँ। यार, हिंदू और फालतू की बातें करना बंद करिए। जब आपकी 20% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो जिसको जहां पे जो है ना शांति मिल रही है, हु आर यू टू डिसाइड अबाउट द अदर्स? कौन है आप? क्या आप जो है मैं अपने बारे जो में जो डिसाइड करूंगा? आई एम नॉट डिसाइडिंग अबाउट अदर, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं आई आप एम ये करिए डिसाइडिंग क्या, अबाउट नहीं मी। जस्ट ए मिनट, आर्टिकल 25 जो है उसको रिलीजियसली इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, जिसको जहां शांति मिले है। तो ना तो आपको जो है ना ये कहने का हक है कि हिंदुस्तान में रहना हो तो जी श्री राम कहना होगा, ना किसी को कहना है कि हिंदुस्तान में रहना हो तो अल्लाह अकबर कहना होगा, ना जो है ना कोई ये कह सकता है कि मेरा धर्म मानो नहीं तो मैं काफिर, नहीं तो आप काफिर है, मैं सिर आपका धड़ से जदा कर दूंगा और मुझे 72 हूरें मिलेंगी। ये बकवास जो है ना, आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी को जो है ना चिल्ला चिल्ला के कितनी बार कह चुका हूं कि 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दीजिए, इसे संज्ञेय अपराध बना दीजिए, इसे अजमानती कर दीजिए, 15 साल की सजा कर दीजिए, और जो है क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है कि 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा, उसके तहत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर लीजिए कि जो भी आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा उसकी पूरी 100% संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। और यदि उस व्यक्ति के पीछे कोई संस्था खड़ी है, तो यदि दंगा जो है ना RSS और बजरंग दल करा रहे हैं तो उनकी भी संपत्ति जब्त हो जाएगी, यदि वक्फ बोर्ड वाले करा रहे हैं तो उनकी भी संपत्ति जब्त कर ले हो जाएगी। आपको आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि दंगा सिर्फ RSS बजरंग दल करवा रहा है? मैंने सिर्फ नहीं कहा, आपको मैंने ये नहीं तो दिखता? सुनना नहीं नहीं सर, नहीं आपको ये नहीं दिखता कि हमारे भट्टाचार्य वातावरण जी, भी तो मैंने पत्थरबाजी मैंने होता है? भट्टाचार्य जी मैंने बैलेंस पिक्चर कही है। मैंने जय श्री राम कहा है नहीं तो सर, वहां नहीं काफिर सर, वाली मुझे बात कुछ कही है। और ही नजर आ रहा है सर। आपको मैं गलत ये याद, पैंतीस आपको लक्ष आपको गलत याद वो आ रहा है। हम ये कह रहे हैं संभाव रखिए, और कोई भी जो है ना कानून को अपने हाथ में आप लेने की अभी औकात आज ही न, मेरे ऊपर चिल्लाए ना, आपको किसने बोला हिंदू राष्ट्र का ये करना चाहिए? अगर आपने मेरी कहा ना, डिमांड है तो आप उसमें मना नहीं कर सकते। मैं ये अगर कह मेरी रहा डिमांड हूं है सर, कि हिंदू जो, यू डू नॉट थिंक दैट देखिए आई शुड यू आर रन एज हैविंग पर द योर राइट डिजायर। अबाउट योर सेल्फ, यू डू नॉट हैव द राइट टू हैव द अबाउट द अदर्स। हर किसी को आई कैन हर, डिसाइड अबाउट माई सेल्फ, हाँ तो आई आप एम नॉट आर्टिकल 25 डिसाइडिंग फाइव अबाउट आपको यही एनीबॉडी कह एल्स। रहा है। आर्टिकल 25 आपको क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति अपने कॉन्शियंस के हिसाब से अपना धर्म मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। आप दूसरों के तो बारे में आर्टिकल खिलाफ, 30A क्यों बता रहा है कि मैंने जो मंदिर में दान किया वो पैसा किसी और के लिए चला जाएगा? तो ये घटिया राजनेताओं ने किया है ना इसको, इन घटिया सर राजनेताओं को जिनको आप, जिनको ये आपने वाला जिताया है, राजनेता ये नहीं किया किसने किया सर, है, किसने किया है? ये हाँ वाला सर 32nd Amendment ये वाला राजनेता नहीं किया, ये इंदिरा गांधी ने किया था, उससे अरे हम पहले सब सारे राजनेता एक आर्टिकल ही तैयार थैले हुआ के था। चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस महादुष्ट है, भाजपा दुष्ट है, लेकिन दुष्ट सभी हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप इसीलिए ये किसी को सब क्लीन चिट मत हटाइए, दीजिए, किसी को क्लीन ये चिट सब मत दीजिए। हटाइए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, मैं साथ में हूँ। आर्टिकल्स आप जो है ना 21 लक्ष्यों को देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको कुछ कमी दिखाई दे तो बात करिए।
यदि आपको 21 लक्ष्यों में सब कुछ दिख जाए तो खुश हो जाइए। हाँ नहीं, वो तो मैं देखिए, आपने यदि जो मुझे 21 लक्ष्यों भेजा में है, यदि आपको सब कुछ दिख जाए, जो आपकी मुराद है वो पूरी हो जाए, फिर ये फालतू की बातें मत करिए। जो फालतू की बातें हैं, हम अपने बारे में निर्णय आर्टिकल 25 के बारे में ले सकते हैं कि वी कैन फॉलो एनीथिंग विच वी लाइक एज पर आवर कॉन्शियंस। तो हमसे कोई ये नहीं, नहीं कह एक चीज सकता। बताइए, एक चीज बताइए सर मुझे, मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, इसकी जी जवाब आप मुझे दे दीजिएगा। हाँ, जी डू आई हैव एनी राइट टू स्टैंड इन ए रोड, ऑन ए रोड, मुझे बता दीजिए। मैं एक रास्ता में खड़ा होता हूँ और ये बोलता हूँ मैथिली मैथिली शरण गुप्ता जी चोर हैं, मुझे ये बोलने का अधिकार है क्या? बिना प्रमाण के मैं कोई सत्यता प्रूफ नहीं तो कर पा ये रहा हूँ। तो मानहानि का जो है ना दावा होता है, अब कर दीजिए। और कोई इसको आपको बहुत ज्यादा बड़ा अपराध लग रहा है तो एक और बड़ा कानून बना दीजिए। कानून बनाने की ताकत सुनो आपके पास सुनो, है, कानून बना और क्यों भी नहीं रहे बता रहा हो? हूँ, कानून क्यों नहीं और भी बना रहे बता हो? रहा हूँ, नहीं और भी नहीं बता रहा हूँ। देखिए, जस्ट ए मिनट, मुझे मैं ये कोई कह हक है देखो, जस्ट क्या ए मिनट, जस्ट मैं ए ये मिनट। कहूँ कि मैं उनको चप्पल से पीटूंगा, मैं उनको ये भट्टाचार्य करूंगा? भट्टाचार्य भट्टाचार्य, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनको जो है हाँ ना आपका थानेदार स्वयंमोटो रजिस्टर कर सकता है, क्यों नहीं करता है? आपने घटिया व्यवस्था क्यों रखी है जो ऊपर की तरफ देखता है कि ऊपर वाला करेगा तभी हम अपराध कायम करेंगे। यदि तो हवलदार जो है सर ना आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता। मैं अगर कहूंगा ना सर किसी राजनेता के बारे में जाके, मुझे आप ही का डिपार्टमेंट उठा के जेल में डाल देगा। मैं यही कह रहा हूं कि चाहे नेता कहे चाहे वो कहे, नेताओं को कोई एग्जेंप्शन नहीं है। और कोई नेता चारों तरफ पूरे देश में घूम अरे घूम के बताओ, बोल रहा है। किस कानून में उसे एग्जेम्पशन मिला है? किसी कानून में एग्जेम्पशन नहीं मिला है। आपका कानून काम क्यों नहीं करता है? आपका कानून निकम्मा क्यों है? आपके जो है ना पुलिस हाँ निकम्मी क्यों है? काम क्यों नहीं करती अपना ठीक ढंग से? तो आप उठाइए ना आवाज, मैं आपके पीछे हमें हूँ, आवाज थोड़ी उठाना है, हमें तो इनको बदल के सब कद बदल देना है। हम क्यों आवाज उठाएं? आप आवाज उठाइए, हम बिल्कुल ये आवाज नहीं विदेश में उठाएंगे। जाके हमारी देखिए, देश की हम हैसियत ये कह ऐसी रहे कर रहा हैं है। कि हम इन दुष्ट लोगों के, मोटी खाल के लोगों के विरुद्ध क्यों आवाज उठाएं जिन्हें बिटियों की आवाज जंतर मंतर पर सुनाई नहीं देती है? हम इनको बदल के खुद जो ना कानून नियम क्यों ना बदल दें? हम इनके इनके सर इनको क्यों आवाज सुनाएं, जिनको जो इसके बहरे हैं, इसके 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 जो तो तह बहरे तक हैं इनको जाना क्यों सुनाएं हम? पड़ेगा, वो ऊपर ऊपर से सब कुछ दिख रहा है, तह तक जाना पड़ेगा। मैं ये ये कह भी एक रहा टूल किट हूं है कि सर, देयर आर ऊपर, लॉट मेनी टूल किट अरे यार आप ये बताओ मिस्टर भट्टाचार्या, 80 अपराधों जी। का दुष्ट व्यक्ति को बच्चियों के विभाग का प्रभारी ही क्यों बनना चाहिए था? मैं तो पहले मूल क्वेश्चन पे आपत्ति उठा रहा हूं, बनना ही नहीं चाहिए था। सर आप ही का डिपार्टमेंट बोलता है, जब तक प्रमाण नहीं होता तब तक एक नहीं, ये दोषी नहीं बिल्कुल है। नहीं हाँ कहता, ये दुष्ट राजनेताओं ने अपने लिए बनाया हुआ है। नहीं तो जो चपरासी का, तो पुलिस का केस रजिस्टर होता है, पुलिस नेगेटिव रिपोर्ट देती है, उसको चाहे चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है। एक एक नेता के पीछे 40 40 केस पड़ा हुआ है, लेकिन आप ही का डिपार्टमेंट उसको प्रूफ नहीं कर पाता, और बोलते कि हमारा नहीं, ये तो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, बात इन राजनेताओं का चरण सेवक डिपार्टमेंट है। हमारा मत कहिए, ना आपका है ना मेरा है, अंग्रेजों का सर। है। आप भी कानून का रक्षक है सर, तो वो कानून का रक्षा तो हर नागरिक है, 39 के तहत जो है ना वो कर सकता है, 43 के। कानून आपको ये बनाने मालूम वाला है, डू यू नो, पार्लियामेंट मिस्टर है और आप रक्षक भट्टाचार्य, हैं। मिस्टर भट्टाचार्य, डू यू नो दैट यू आर हैविंग द पावर ऑफ अरेस्ट अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी? पढ़िए जरा। हाँ वो तो मुझे मालूम है, एक यू जादौन कैन साहब है, अरेस्ट, यू कैन अरेस्ट इवन इन प्रेजेंस ऑफ द पुलिस। वो अरेस्ट करते थे और उनके पीछे फोन आता था मंत्रियों के, इनको छोड़ दो और गाली देते थे तो उल्टा ये मंत्री हमारे वही नए। हैं, ये हाँ काले चरित्र के मंत्री हैं, इनको मंत्री आपने बनाया है भाई साहब। हम ही ने इनको मंत्री बनाया है। हमें इनको वापस अपने 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 आप को करिए। हम तो कह रहे हैं कि खुद को जो है ना आगे जोड़ते जाइए, अपने चंद्रगुप्तों को जिताइए। क्यों हम किसी पार्टी के बारे में बात करें? हम इनके सामने क्यों हाथ जोड़ें? अभी आप मुझे बताइए, मेरे पचहत्तर सालों दरवाजे से में इन्होंने तो कुछ आता है, है? सुनो सर एक मिनट बाद मेरे पास, मेरे दरवाजे में आता है सतीश सिकरवार, कहते हैं कि प्लीज मुझे जिताइए, मैं आपके लिए पूरा जीवन दान करूंगा। जब मैंने उसको जिता दिया, दोबारा मैंने उसके पास शिकायत लेके गया, कांग्रेस का लीडर है, शिकायत लेके गया, बोलता मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल सही कहा, ये है गिरगिट, ना? ये बिल्कुल सभी राजनेता आपने गिरगिट बोला, हैं, बिल्कुल सही सभी कहा। सभी अभी राजनेता आपने गिरगिट क्या हैं। बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सभी राजनेता वो गिरगिट भाजपा हैं। का लीडर नहीं है सर, आपने सुना नहीं है, कांग्रेस का लीडर है मुझे कांग्रेस और भाजपा से सतीश। क्या लेना देना है? राजनेता तो सभी दुष्ट हैं। नहीं, मैंने बोला ना आपने जिताया, मैंने उसको जिताया,
डाला। मैं तो ये कह रहा हूँ, एज ए वोटर हमने उसको जिताया है, हम इन दुष्ट हाँ राजनेताओं को जिता रहे हैं, अब इनको हरा देना है। इनसे सर, क्यों आप इनसे क्यों न्याय की अपेक्षा करते हैं, बताओ मुझे, ये आपको किसी का न्याय नहीं भी, सुनो दोगे? सर, इनकी राजनेताओं का कैरेक्टर से किसी का भी सीधा नहीं होता, अभी ये कह सब गहरे भट्टाचार्य होते हैं। जी, इस पे एनर्जी लगाने की बजाय यदि हम हाँ लोगों को जोड़ने में एनर्जी लगा देंगे, इतनी एनर्जी में तो ये हार जाएंगे। इतनी नहीं, वो तो सर मैं देखो शुरू आपको प्रॉमिस कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बजा हुआ व्यक्ति हूँ, आपका वो सारी चीज आपके करूंगा प्रॉमिस मैं। करने ना करने से क्या होता है भट्टाचार्य जी, मैं तो कह रहा हूं समझ लीजिए, यदि आपको बात समझ में आती है तो जुड़िए उसमें। मैं आपको क्या बोला सर, मैं किसी चीज को प्रोटेस्ट नहीं करता, कुछ नहीं करता, पहले मैं चीज को समझूंगा अपनी तरीके से। आपने मुझे लिंक भेजा है, आपने मुझे बोला करप्शन फ्री इंडिया को वो डाउनलोड करके देखो, मैं डेफिनेटली देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, आई विल कॉल यू बैक एंड मैं आपके साथ जुड़ूंगा। अच्छा नहीं लगेगा देन आपके साथ मेरी संबंध अच्छा रहेगा। आपकी आपकी मर्जी है, यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो इन्हीं राजनेताओं के अपने ऊपर जो भी जुर्म ढाना है उसे सहिए। चॉइस इज योर्स, चॉइस मेरी नहीं है, चॉइस आपकी है कि हाँ हाँ व्यवस्था वो तो है ही बदलना है सर, वो या इन्हीं राजनेताओं से जूते लाते खाना है। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स, तो है ही। हाँ चॉइस तो योर्स। 75 सालों से इन्हीं चलिए सर, राजनेताओं से जूते, मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ। ध्यान से सुनो भट्टाचार्य जी, हाँ 75 सालों हाँ से इन्हीं दुष्ट राजनेताओं से जूते लाते खा रहे हैं, यदि समझ में नहीं आता है तो आगे भी खाते रहना, क्या दिक्कत है उसमें? मैथिली शरण नहीं, गुप्ता आपने अब प्रयास किया क्या आपके विरोध में, भरोसा, कोई देखो नया देखो आएगा हम उसमें भी हम नहीं ला पाए। देखिए, मेरी ये कहना है कि मैथिली शरण गुप्ता अपने प्रयास में लगे हैं, वेदर भट्टाचार्य हाँ जी इज देयर और नॉट इट इज भट्टाचार्य जी का अपना निर्णय है, आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो साथ में खड़े हो जाइए, नहीं तो मैथिली शरण गुप्ता नहीं लगी नहीं ही मैं रहेंगी। जैसे अश्विनी उपाध्याय जी को समर्थन देता हूँ हमेशा, ठीक है, अभी आपको सुनूंगा, मैं आपको सुनूंगा डिफरेंट यूट्यूब चैनल में। उपाध्याय जी बेचारे उसी जुडिशरी के सामने दया वो कर रहे हैं जो बिना कारण बताए उनकी जो है ना पिटीशन को डिसमिस कर दे रहा। मतलब हमने ये मैं जानता हूँ सर, मैं उनको ऐसी जुडिशरी पैदा की है, उन्होंने यही लगाया कि 2,000 रुपए का नाम जो नोट है इसको जो है ना बैंक में जमा होना चाहिए, जमा करने वाली स्लिप की आइडेंटिटी होना चाहिए, बिना कारण बताए हाँ, उसे डिसमिस कर दिया। अच्छी, बहुत अच्छी सलाह थी। तो ये सब चीजें हैं, मैं आपको भी पढ़ूंगा सर, आपको भी सुनूंगा, और जैसे मैंने उनको भट्टाचार्य, सपोर्ट मेरा तो किया हमेशा। निवेदन ये है कि आपका निर्णय है, यदि आपको लगता है परिवर्तन करना है तो मैथिली शरण गुप्त के साथ आ जाइए, नहीं तो आप 75 साल हाँ से चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात तो है हाँ भाई। हाँ 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 बिल्कुल सर, मैं अभी पहले पचहत्तर साल आपको से जो है तो, ना आदमी जी रहे हैं, आगे भी जीते रहेंगे। अरे सर मुझे समय तो दो, मुझे जरा सुनूं तो आपको YouTube के माध्यम से, आपका वो पूरा पढ़ूं तो यू उसके टेक योर साथ ओन टाइम, डेफिनेटली। यू टेक योर ओन हाँ टाइम, यू टेक योर ओन टाइम, यस, राइट? हाँ सर, हाँ सर, ओके, हाँ सर, चलिए चलिए, मुझे मुझे विश्वास है कि आपको सही तत्व समझ में आएंगे और संभवतः हाँ। आप देश हित में जागृत होकर खड़े होंगे, और न केवल खड़े होंगे, आप रहते कहाँ हैं सर? भोपाल मैं भोपाल में रहता हूं। में? अच्छा, ठीक है, कभी आएंगे भोपाल तो आपको, आपसे जरूर मिलेंगे। आप, मेरा ख्याल सोचना है कि अपन जो है ये वी शुड नॉट स्पेंड इवन ए डे, हमें जल्दी अपने निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि मिलना मिलाना तो होता रहेगा, मिलने मिलाने से देश का भला नहीं होने वाला है। यदि हम सही सही काम में अपना समर्थन देंगे तो भला हो जाएगा, मिलने से किसका नहीं, भला हो सामने जाएगा? बैठ के हो सकता है, सामने बैठ के और बेटर समझ लूं, है ना, इसीलिए समय तो आ जाइए मुझे आप, मिलेगा तभी भोपाल आएंगे, तो आपसे जरूर मिलेंगे। चलिए चलिए, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस्टर ठीक है, भट्टाचार्य जी, पूरा हाँ नाम सर, क्या लिखते आपको हैं भी, आप? शंकर भट्टाचार्य। शंकर भट्टाचार्य, चलिए, आई विल सेव योर नंबर एंड हाँ यू टेक योर ओन टाइम एंड हाँ वट एवर जो है ना यू फील अप्रोप्रिएट फॉर यू, प्लीज टेक, हाँ हाँ यू आर ए सिटीजन, यू कैन टेक ए डिसीजन व्हाट इज गुड फॉर यू, जो आपके भले जी, के लिए है वो निर्णय लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर, जय हिंद। ओके।